नाबालिग बच्चियों और युवतियों के साथ लगातार हो रही दुराचार की घटनाओं के खिलाफ फूटा लोगों का आक्रोश, कैंडल मार्च निकालकर की कार्यवाही की मांग। हाल ही में देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही दुराचार की वारदातों के खिलाफ रीवा के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की। कठुआ में 8 वर्षीय मासूम आसिफा के साथ जो भी हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। कठुआ ही नहीं, उन्नाव, सूरत, रोहतक के साथ ही पूरे देश में लगातार सामूहिक दुराचार की घटनाएं नाबालिग बच्चियों और युवतियों के साथ हो रही हैं। एक ओर जहां देश के उच्च पदों पर बैठे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, वो मासूमों के साथ हो रही हैवानियत पर चुप्पी साधे नजर आते हैं। देश की न्याय व्यवस्था के सामने मासूम घुट घुट कर अपना दम तोड़ देती हैं। देश में लगातार हो रही ऐसी वारदाताओं से महिलाओं और मासूमियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आप मेरी उम्र देख रहे हैं, इस उम्र में भी मुझे आकर के कैंडल मार्च में शामिल होना पड़ा कि जिससे समाज और शासन प्रशासन ये जागृत हो, जो हमारी अबोध बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होकर के उनकी हत्याएं की जा रही है। यदि बालिकाएं और महिलाएं नहीं रहेंगी तो ये समाज कैसे रहेगा? ये बड़ी दुखद स्थिति है। ये जात पात की बात नहीं है, ये एक बात है हम लोगों की, और इसमें एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। जो भी हो, कोई भी इस केस में, कोई भी इसमें फंसे, चाहे वो विधायक का हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कानून सब के लिए एक होना चाहिए और इसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। ना दिया जाए, इसके लिए कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। ये अगर किसी विधायक की बेटी के साथ या किसी सीएम की बेटी के साथ होता तब इसके लिए ज़रूर एक एक्टिव एक्शन लिया जाता। If we are doing for a public prosecution, then we have to take an action. I know we are not belong from Delhi or Mumbai, but for a justice, we are playing just for a small role. कैंडल मार्च ये हमारा विरोध प्रदर्शन है, जो भारत में पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। हम लोगों की ये विरोध प्रदर्शन है और भारत सरकार से ये मांग है कि ऐसे बलात्कारियों को बिना विलंब किए, बिना अदालत ले जाए, इनको तुरंत तुरंत फैसला, तुरंत फांसी इनको देनी चाहिए, ताकि ये अपराध हमारे देश में कम से कम हो सके। अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने में लोग डर रहे हैं। दूसरी ओर आरोपियों का नाम सत्ताधारी दल से होने के कारण लगातार उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता है। मध्य प्रदेश ऐसी घटनाओं में नंबर एक पर बना हुआ है। ऐसे आरोपियों को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिसे लेकर लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। साथ ही रीवा के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर रीवा दर्शन के स्टूडियो में एक खास परिचर्चा का आयोजन किया गया।